ओ नाना, कहाँ से हो आप लोग? माइंड फ्रेश हो जाता है यहाँ पे आके कि आज कुछ नहीं हो अपने पास। ये जो बिल्डिंग दिख रहे हैं ना, इसमें से एक फ्लैट अपना हो बस। पब्लिक यहाँ की जो बहुत ही प्यारी है। हाँ जी भाई भाई, और मैं तो वीडियो बनाने आया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो सारा भीज गया मैं तो। यहाँ पे सनसेट देखने के लिए आए थे और यहाँ की बिल्डिंग्स तो बहुत अच्छी है। स्ट्रीट फूड यहाँ पे, ये झूले पसंद है ये बहुत ही है। मैं कुछ अलग आंसर ढूंढ रहा हूँ, देखता हूँ मिलता है नहीं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉगर। तो कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बहुत मस्त होंगे। मैं फिलहाल ठीक हूँ और प्रीवियस ब्लॉग में मैं आपको जुहू बीच लेकर आया था, लेकिन जुहू बीच का आपको सीन नहीं दिखाया था। सो आज के इस ब्लॉग में फुल जुहू बीच कवर करने वाला हूँ। तो आज का जो मेरा क्वेश्चन है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि यार क्यों ना जब मेरा संडे को छुट्टी होता है तो क्यों ना मैं जुहू बीच पे आऊँ और हर संडे या सप्ते जब भी आऊँ तो एक यूनिक क्वेश्चन के साथ आऊँ और यहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करूँ। बिकॉज यहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है तो इंटरेक्शन करने में मज़ा आएगा और लोगों से बात करने में मज़ा आएगा। तो आज का प्लान कुछ ऐसा ही है, मैं सोचा हूँ, बट देखता हूँ कि कितना सफल हो पाता है और कितना मैं लोगों से बात कर पाता हूँ। प्लीज़ ब्लॉग में एंड तक बने रहें और इन्जॉय करें आज के इस पूरे वीडियो को। सर थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, बट क्या करें, मतलब व्लॉग शूट करना ही पड़ेगा और रिएक्शन देखने वाला हूँ कि मतलब लोगों का क्या क्या रिएक्शन होता है और ऑब्वियसली आप लोगों को मजा आने वाला है। सो प्लीज व्लॉग में बने रहें। Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. सर पता नहीं क्यों थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, मतलब है ना लोगों से बात करना, मतलब कर तो लूंगा लेकिन थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूँ। अभी भीड़ थोड़ा सा और बढ़ने का वेट करता हूँ। फिलहाल भीड़ अभी भी है लेकिन उतना भीड़ नहीं है, तो धीरे धीरे मैं एक दो लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। यार लोगों के लिए भी ऑकवर्ड होता है यार, ये सही चीज हो रहा है भाई, सफाई अभियान है ना। मैं कल ही एक वीडियो बनाते इसमें दिखाया था कि बीच पे इतना लोग प्लास्टिक फेंक देते हैं और फिलहाल ये देखो जो मैं सोच रहा था वही हुआ है ना। ये लोग कचड़ा जो बीच से कचड़ा होता है वो चुन के मतलब उसमें रख रहे हैं। सो काफी सही काम हो रहा है ये बीच पे। ये देखो लोग पता नहीं क्या क्या फेंकते हैं यार। आपका नाम क्या है? मुकेश। है? मुकेश कहाँ से है वो? यूपी। यूपी से? यूपी में कहाँ से? बलरामपुर। बलरामपुर। तो यार भाई यहाँ पे क्या अच्छा लगता है? बीच पे क्या अच्छा लगता है? लहरे। लहरे अच्छा लगता है? हाँ जी। है ना, मतलब और क्या अच्छा लगता है यहाँ पे? नहाना। नहाना अच्छा लगता है। आपका नाम क्या है भाई? जाफर खान। लहरे लहरे जैसा है ना पानी का, नहाना अच्छा लगता है। आपका क्या नाम है भाई? रज्जब भाई। नहाना अच्छा लगता है। कहाँ से हो आप लोग? धारावी से। यहाँ पे आते हो? धारावी से यहाँ पे आते हो? अपना अपना नाम बता दो यार। शाहरुख। तुम्हारा? जॉय। जॉय। तुम्हारा भाई? शकील। तो सबको यहाँ पे नहाने अच्छा लगता है, कहाँ डुबकी लगाना। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है भाई? मेरा नाम है हमजा। हमजा तुम तो पूरा मिट्टी में लिपटे हुए हो एकदम। हां मस्ती कर रहे। देखना मुझे मत मार देना यार। देखो सब लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। ये कैसा लगता है भाई जो ऊपर से जा रहा है? यार मैं अभी सोच रहा हूँ भाई लोग से थोड़ा बात करूँ, थोड़ा पूछूँ कि कैसा लग रहा है इनको बीच पे यहाँ पे आके। और ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छा लगता है लेकिन सबसे अच्छा क्या लगता है वो मैं इनसे पूछने वाला हूँ। सबसे पहले भाई अपना अपना नाम थोड़ा बता दो प्लीज। मेरा नाम मोहम्मद फुरकान और मैं रहने वाला नैनीताल से हूँ। मुंबई में जो है घूमने के हिसाब से आए। मेरा नाम अनस सकलैनी। नीरज कुमार। मोहम्मद शारी। वसीम रजा। तो आप लोग यहाँ पे कुछ वीडियो शूट कर रहे थे क्या? किस चीज का? रील्स। अच्छा बेस्ट ऑफ लक यार। आपको बीच में ऐसे तो हर चीज ही अच्छा है लेकिन आप लोगों को क्या अट्रैक्ट करता है यहाँ पे कि हर बार मतलब बीच पे आया जाए, आप थोड़ा घूम के आया जाए? यहाँ पे आते हैं ना तो 3-4 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे तक इतना प्यारा मौसम रहता है ना, माइंड फ्रेश हो जाता है यहाँ पे आके। और इंसान यहाँ पे आके जाए ना शाम की जो नरमिली नरमिली हवा चलती है ना, कसम से गर्म इतना प्यारा फील होता है ना, ये दिल करता है कि कसम से ये मन करता है कि आज कुछ नहीं हो अपने पास। ये जो बिल्डिंग दिख रहे हैं ना, इसमें से एक फ्लैट अपना हो बस, एक फ्लैट अपना, माँ कसम जिंदगी में मजा ही आ जाएगा। बस यहाँ का नेचर जो है बहुत ही खूबसूरत है। ये पब्लिक यहाँ की जो बहुत ही प्यारी है, व्यू बहुत प्यारी है। बहुत प्यारे व्यू है। और यहाँ पे स्नान वगैरह करना अच्छा लगता है? हाँ बहुत अच्छा लगता है यहाँ स्नान करना। सब लोग देखो पब्लिक कितनी नहा रही है इधर। आपको भाई मतलब नेचर और एक फ्लैट यहाँ होना चाहिए। हाँ जी भाई भाई, और मैं तो वीडियो बनाने आया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो सारा भीज गया मैं तो भाई पूरा एकदम। और अभी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, धूप निकलती है यहाँ से। कि यहाँ पे बोर्डिंग वगैरह की जाती है, पैराशूट वगैरह की जाता, जैसे कि पैराशूट और बोर्डिंग अभी हो रही है। और यहाँ पे सबसे मजा जो बात है ना कसम से, वो नहाने में मजा आता है। मैं गोवा भी घूमा हूँ, मैं हैदराबाद भी गया हूँ, लेकिन जो मजा मुंबई में है ना वो कहीं नहीं है। वो कहीं भी नहीं है, कहीं भी चले जाओ कहीं भी। यहाँ पे क्रिकेट,
फुटबॉल वॉलीबॉल सब खेला जाता है। मुझे सबसे ज्यादा मतलब अच्छा वो लगता है ना, तो सबसे अच्छा व्यू लगता है यहाँ का, सबसे अच्छा व्यू है। तो भाई और कुछ बोलना है आपको? हाँ मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर आओ घूमो और इंजॉय करो, फैमिली के साथ आओ तो और मजा आता है। क्योंकि मेरी इंस्टा आईडी है, उस पर भी जरा फॉलो कर लेना मेरे को, थोड़ा गरीब का भला हो जाएगा। इंस्टा आईडी है एक्टर कैफ फुरकान। थैंक यू भाई बात करने के लिए, थैंक यू आप लोगों। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ एक और ग्रुप में और इनसे पूछता हूँ कि इनको क्या अच्छा लगता है ना, मैं कुछ अलग आंसर ढूंढ रहा हूँ, देखता हूँ मिलता है नहीं। अपना अपना नाम बता दो क्या है। यश, मृणाल, अनिकेत। अनिकेत, यहाँ पे सनसेट देखने के लिए आए थे हम लोग। सनसेट देखने के लिए आए थे यार, अभी सनसेट में तो टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है यार। यहाँ का सीन इधर आ जाओ यार, इधर अच्छा लग रहा है। बाकी भी और क्या अच्छा लगता है? और तो अभी ये सनसेट देखेंगे कितना अच्छा लगता है। और यहाँ की बिल्डिंग्स तो बहुत अच्छी है। स्ट्रीट फूड यहाँ इधर मतलब क्या अच्छा लगता है सनसेट के लिए? चलो अच्छा लगा मिलके आपसे। राजीव रंजन ब्लॉग्स। तो यार अभी तक बात करने पे मुझे इतना लगा कि यार किसी को यहाँ पे सनसेट देखना है, किसी को यहाँ पे फ्लैट चाहिए जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, किसी को नहाना पसंद है ना। तो काफी डिफरेंट आंसर्स मिल रहे हैं, जो मैं सोच के आया था वो हुआ। और आगे देखते हैं कि और कितने लोग से बात कर पाता हूँ, है ना। सो ब्लॉग में प्लीज बने रहे हैं, ब्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मजा आएगा आपको। सो चलिए। और ये भाई लोग यहाँ पे मस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पे बहुत मजा आता है यार क्रिकेट खेलने में। ओहो मारा मारा भाई। तो गाइस धीरे धीरे मैं पहुंच चुका हूँ जुहू चौपाटी बीच के नजदीक, और ये है अपना सामने जुहू चौपाटी बीच, आप देख सकते हो। इधर काफी एक्टिविटीज वगैरह चल रही है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, है ना। और इधर बात करने में और ज्यादा मजा आएगा। तो देखते हैं कि यहाँ तक तो अभी तक मजा आया, मतलब मैं सोचा था कि यार लोगों से कैसे बात करूँ और क्या बात करूँ, लेकिन मुझे बात करते ना तो अपने आप बात निकलने लगता है। तो चलो इसी तरह से ब्लॉग में बने रहो, बहुत मजा आने वाला है। तो यार एक बार यहाँ से अपना नजारा देख लो जुहू बीच का, मतलब ये है जुहू चौपाटी बीच, ये है रियल का एडवेंचर। मतलब यहाँ पे आते ही सारा दुख दर्द जो भी है आप भूल जाओगे। इतना अच्छा मौसम किया यहाँ पे और इतना अच्छा व्यू मिलता है यहाँ से। और यहाँ पे लोग बोटिंग में पता नहीं क्या क्या एडवेंचरस चीज यहाँ पे करते हैं। और यहाँ हमारे राम जी का तिरंगा झंडा फहरा रहा है। फिलहाल मैं आ चुका हूँ यहाँ पे और कुछ यहाँ पे लेडीज हैं, तो मैं कुछ लेडीज से पूछता हूँ कि जेंट्स से तो मैं पूछता हूँ आ रहा हूँ, कुछ लेडीज से पूछता हूँ कि इनको मतलब यहाँ पे क्या अच्छा लग रहा है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ इनसे, इनकी तरफ कैमरा करता हूँ, इधर से नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं नाम बता दो, है ना। किरण है। किरण, व्हाट्स योर नेम? सीमा। मैगी। मैगी, वाओ नाइस नेम। योर? सोनिया। ओके नाइस टू मीट यू। सो मेरा क्वेश्चन यही है कि आपको बीच पे मतलब ऐसे तो हर चीज अच्छा है, जो भी आप देख रहे हो सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपको स्पेसिफिकली मतलब क्या अच्छा लगा? ये झूले पसंद है ये बहुत। ये माइक में बोलो, माइक इसमें। हमें ना ये समुन्द्र में जो पानी है ना ये बहुत पसंद है। और ये देखो, ये हाँ ये देखो ना, ये बहुत फेमस है यहाँ पे, ये बहुत अच्छा है इधर। इसको झूले बोलते हैं, एलिफेंट बोलते हैं इसको, हॉर्स वाला झूला बोलते हैं इसको। ओके हाँ जी। मेरे को भी यही पसंद है। आपको भी झूले ही पसंद है? टिकट भी मैंने करा के दी है। मेरे को पसंद है सब, खाना पीना भी अच्छा मिलता है इधर, मतलब अलग रहता है खाना पीना। हम बहुत खाते हैं, मैं तो बहुत खाती हूँ, और इससे तो मेरे को डर ही लगता है। बस डर लगता है, आप ये नहीं कर रहे हो आप। और आप देख सकते हो यहाँ का सीन बॉस, मतलब यहाँ पे फुल पैक्ड है। मैं उधर से भी आ रहा हूँ, है ना। और आप यहाँ का सीन देखो, मतलब एडवेंचर से भरा हुआ है। और इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं पूछता हूँ इसको क्या बोलते हैं। अंदर जाता है क्या? ओके। और भाई साहब यहाँ का व्यू देख लो, मतलब अद्भुत यार। तो ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो ना, यहाँ से लेकर ये पूरा, इसको बोलते हैं जुहू चौपाटी बीच। और इस रोड को अगर आप फॉलो करते हो जाओगे तो अमिताभ बच्चन का घर आता है। तो यहाँ पे छोटे बच्चे भी मस्ती करते हैं, यहाँ पे देख लो आप। तो यार आज का व्लॉग में सच में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और आशा करता हूँ कि आपको भी उतना ही मज़ा हो जितना मुझे शूट करने में आया और आपको देखने में आया हो। सो आज के इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट जब भी संडे होगा तो मैं जुहू बीच पे आऊँगा या और कहीं जाऊँगा और आपको इंटरेस्टिंग व्लॉग्स वहाँ पे जरूर दूंगा। सो गाइस फिलहाल यही था हमारा आज का व्लॉग, आशा करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो, और मुझे सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बिकॉज जब भी मैं पब्लिक से बात करता हूँ तो व्लॉग शूट करने में एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ यार मैंने कुछ तो ढंग का वीडियो बनाया, कुछ तो अच्छा शूट किया है। तो मेरा भी टाइम हो गया यहाँ से निकलने का। सो आज के इस व्लॉग में इतना रखते हैं, आशा करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं किसी नए एक्साइटिंग व्लॉग में। व्हाट एवर यू वांट टू डू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद।